अच्छा ये है कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है। फरहान घर पर मुझसे मिलने आता था और आज आधी रात को मैं फरहान से मिलने गई थी, इबादत नहीं, सब मेरी गलती है। ये वो बिल्कुल बेकसूर है, बात जो कुछ भी हुआ सबके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर इबादत नहीं होती ना तो आज इस घर का नाम मिट्टी में मिल जाता। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम उस लड़के से मिलने नहीं जाती तो मन्नत तुम्हारे पीछे नहीं आती तुम्हें बचाने, और आज मन्नत की हालत नहीं होती। I cannot believe it, इबादत। मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा जाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी हुई है। तुम किसी की दोस्त नहीं बन सकते। देख लिया तुमने अपनी करनी का नतीजा, आज तुम्हारी वजह से दू अम्मी की बेइज्जती हुई। शर्म आनी चाहिए उस औलाद को जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाए। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं क्या, कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा जाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी हुई है। किसी की दोस्त नहीं बन सकती। शर्म आनी चाहिए उस औलाद को जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाए। मैं सुन रहा हूं, काश मैं वो भी सुन पाता जो तुमने नहीं बोला। इबादत अब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, तुम जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चलो मेरे से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम होश में नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, फिर भी मेरी इतनी फिक्र क्यों? मदद जाओ यहां से, एक्सीडेंट होता तो होने दो। शट अप सुभान।